देख सकते हो सारिया सब्जियां जड़ियां सीगियां इधर लाए सी, तकरीबन मूंगरियां दे पौधे सीगे ते पालक सीगी, कोई चीज़ नहीं छड़ी उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है? उम्मीद करता सारे भाई ठीक ठाक होंगे ते अल्लाह दे फज़ल करम दे नाल मैं भी यहाँ बहुत ज़्यादा बेहतर। खांसी रह गई है थोड़ी जी, वह भी इंशाल्लाह कल तक ठीक हो जाऊगी। बाकी बुखार अलहम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। तुहाडियां दुआवां तुहाडियां मुहब्बतां जिहड़े जिहड़े मेरे देखण वाले आ, अल्लाह सब नु सलामत रखे। तो काफ़ी दिन हो गए सी मैं अपने जेडे गार्डन उहदे वल तवज्जो नहीं दित्ती, क्योंकि एक तो दो तीन दिन बुखार रहा वा, उसकी वजह न कई काम जड़े आ वह अपने रह गए। तो हुण अलहमदुल्ला तबीयत जी बिल्कुल फ्रैश हो गई है। तो अज एक दफ़ा अपने गार्डन च या जिथे अपने सब्जियां लाइया हुई वा वह देखते हैं उन्हों की सूरत हाल आ। हाँ जी, तो सब तो पहले नज़र मारते हैं अपनिया मूलियां हुई कि नहीं हुई, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए। अच्छा कुछ मूलियां देख सकते हो छोटिया छोटिया हो गई वा, लेकिन अजे प्रोपर जड़िया वा वह मूलियां नहीं बनिया, क्योंकि मूलियां जड़ियां वा काफ़ी असी ना पछेतियाँ कह लो वह बीजिया सगिया। देखो छोटिया छोटिया मूलियां अजे बनिया, मुकम्मल जड़िया वा वह मूलियां नहीं बनिया, क्योंकि इन्हों बीज जड़ा वा अपना बहुत ज़्यादा लेट उगया सीगा। तो एक दिन वेला बैठा सी मैं, क्या चल यार इतने जगह खाली पई है तो क्यों ना आप मूलियां ला लीए। तो टाइम जिन्होंने लाइया हुई सी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया सी मूलियां लाइया, तो मैं भी फिर एक दिन इतने कई चीज चला के ते मिट्टी सीधी पदरी करके ते उपर लातियां सीगिया, ते काफ़ी लेट हुई अजे तक भी कई कई जगह पर जेडे पौधे निकलते पे आ। क्योंकि दोस्तों इतने मिट्टी नहीं सी, इतने जी मुर्गी की वेस्ट होंगी है ना वो बहुत ज़्यादा पई सी, तो ही मैं लातियाँ वो वजह से जोड़ा बी है वह नहीं होया कई जगह पर। तो आ भी बटा जड़िया अपन खाली पईया वा, तो पालक जी अपनी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हो गई, अगे दो दफ़ा मैं कट ली आ। कल इंशाल्लाह साग तोड़न जाना वा, दो दिन तो मैं नहीं जा सकिया क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा अपनी ख़राब सी। तो कल साग तोड़ा तो अपनी जी पालक आ वह भी तोड़ के घर दे देवे तो ताकि वह साग पकाउण। तो इधरली साइड पर जोड़े अपने मूंगरियां के पौधे से, मूंगरियां के पौधे पर भी माशाल्लाह फुल आ गए आ, फुल आ गया तो समझ लो इन्हां ते भी लगन गए मूंगरे जिहड़े कि असी नहीं खाईदे। तो मटरां दा जिहड़ा पौधा सीगा वह एक ही जिहड़ा सीगा वह होया सीगा, उत्ते भी माशाल्लाह माशाल्लाह पूरे दो मटर लगे आ बगैर दाणियां तो, एक आ लगा तो एक इधर वाली साइड ते लगा, एक आ फुल बनया इत्थे भी लगना। अच्छा मूंगरियां दे तीन पौधे सीगे मूंगरियां दे, बाकी उधर वाली साइड ते सीगे वह उत्थे वह मुर्गियां ने छड़े नहीं कोई शायद। तो जेड़े आ सीगे इन्हां ते फुल आ गए हुए आ, ते धनिया भी आपां दोबारा लाया सी लेकिन कोई नहीं होया। उस तो अलावा अपने जेड़े गोभी की पनीरी लाई सी उत्ते भी नज़र मारते हैं उदे यार कई पौधे जेड़े आ कित्थे लाया सी आ सड़ गया वा, आ भी तकरीबन सड़ गया वा, आ जिंदा वा आ भी जिंदा वा। तीन चार पौधे उत्थे लाए सीगे वह भी ठीक है, यानी कि कुछ जड़े पौधे आ वह हो गए आ, जड़े कमज़ोर सीगे वह नहीं हुए वह सड़ गए आ। तो धनिया जड़ा वा अपना कई कई जगह पर होया वा, एक दो दफ़ा अगे वढ़ लिया, यानी कि थोड़ा जहा ही होया वा, जमीन जड़ी है ना बहुत ज़्यादा गर्म आ क्योंकि मुर्गी की वेस्ट सीगी, तो वजह से ना जिन्होंने कहें पंजाबी साड़ मार दी है जमीन, उसकी वजह तो बीज जड़ा वा वह सड़ जाता नहीं हों। अच्छा दोस्तों जिहड़ा असी लसन लाया सी ना वह तकरीबन नहीं होया, ग्रोथ नहीं करता पिया अपनी, तो उत्थे दा उत्थे या उपरों उपरों जिहड़ा वा वह पीला हो गया वा। मेरा ख्याल है इनू या तो पानी ज़्यादा लगा वा या तो इहदी मिट्टी नहीं सही हैगी जिहदी वजह तो इहदी ग्रोथ नहीं होंदी। एक दो बारी मैं इहदी गोडी भी की है लेकिन नहीं होन दिया, क्योंकि मिट्टी यार बाहरों ट्राली दी सीगी इत्थे पई सी ते मैं चुक के जिहड़ी आ अंदर सुट्टी आ, इस करके पता नहीं हो रहा। अच्छा तुसी देख सकते हो कि मैनू बोलदिया होया ना सह चढ़ जाता वा, बोलने च मुश्किल हो रही है क्योंकि गला खराब सीगा बुखार सीगा दो तीन दिन, नॉर्मल हो जाएगा इंशाल्लाह एक दो दिन दे विच। खांसी रह गई है थोड़ी जी इंशाल्लाह वह भी अज हो जाएगी खत्म। तो दोस्तों गर्मियां दी जड़ियां आप सब्जियां इत्थे लाउणियां वा ना, तो मेरा इरादा जी बाहर मिट्टी पई है ना ये चुक के असी अंदर सुट के ये मिक्स करके तो फिर लाइए, क्योंकि उदा जमीन बहुत ज़्यादा साड़ मार दी है,
तो गर्म हो जाती, यानी कि बीजी वजह तो सड़ जाता, तो असी दोबारा जड़ियाँ सब्जियां लावे ना इतने पूरिया लावे उत्थे तक लावे ताकि गर्मियों सब्जियां जड़ियाँ अपनी सही हो जाए। अच्छा तो हूँ अपन जड़िया बटावान उन्होंने असी गोडी करनी है क्योंकि गोडी भी जरूरी है, फिर उन्होंने ग्रोथ आ जी सब्जियां की वधदी है, तो असी जड़िया आ बटा है ना इन्होंने असी गोडी करते हैं इन्हों की। अच्छा मुर्गियों नू सब्जा बहुत ज़्यादा पसंद हुंदा, मेरे जो थोड़े जे चूजे आ फीड पानी करते हैं बाहर निकल जाते हैं, तो उन्होंने मेरे गार्डन की जी एक साइड सी ना जिते मैं सब्जियां लाइया सी कोई शह नहीं, इधर वाली साइड से तुम देख सकते हो सारिया सब्जियां जड़िया इधर लाए थी, तकरीबन मूंगरिया के पौधे सगे तो पालक सी कोई चीज़ नहीं छड़ी उन्होंने, तो वह भी खा ली इन्होंने। हाँ जी, तो गोडी बिल्कुल आराम आराम के नाल करनी पैंदी है क्योंकि जेडे अपने पुराने पौधे आ उन्होंने भी नुकसान ना पहुँचे, ये ना हो कि उन्होंने जड़ तो उखाड़ के असं सुट दई, तो इस करके आराम आराम के नाल करनी पैंदी है। हाँ जी, तो इधर वाली साइड से असी गोडी करती है, इधर अपनी नहीं होनी सी क्योंकि विच धनिया जड़ा उगया वा, इधर भी जी अपनी पालक आ ना वो बट्टा तो नहीं उगी, बी इदा करके सुटिया सीगा ते बाद होया सारा बी, तो इत्थे गोडी नहीं हो सकती, तो इस करके जिते जिते हो सकती सी असी कर दिती है। अच्छा दोस्तों, गोडी करन दे जड़े आ मेरे ख्याल ना दो ही फायदे है, क्यों करी दी है क्योंकि पानी लग लग के जड़ी उपर वाली सतह हुंदी आ वह सख्त हो जाती है, जिदी वजह तो जड़ नूं या नीचे ऑक्सीजन नहीं मिलती तो पौधा जिहड़ा तुहाडा उह मुरझा जांदा, तो दूसरी वजह यह है कि इहदे विच जिहड़ियां जड़ियां बूटियां या घाह वगैरह उग जांदा वा वह तुहाडा निकल जांदा बाहर। तो इहदे नाल ही अज दे विलॉग दा करदे आ एंड, अपना रखना ढेर सारा ख्याल, मेरे चैनल इंजीनियर की फार्मिंग नूं कर दिओ सबसक्राइब, ते अल्लाह हाफिज़।